अलवर के थाना अंतर्गत पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई अंजाम देकर शिकार की फिराक में घूम रहे 8 शिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये सभी शिकारी वन्य जीव खरगोश और तीतर का शिकार करने की फिराक में घूम रहे थे। पुलिस ने इन शिकारियों के कब्जे से शिकार के काम में आने वाले जाल और अन्य सामग्री भी बरामद की है। सभी शिकारियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। सुभाष उद्यान के नजदीक शनिवार रात अपने परिजनों के साथ जा रही एक 2.5 साल की बालिका का एक युवक ने अपहरण का प्रयास किया। परिजनों के शोर पर राहगीरों ने युवक को पकड़ उसकी जमकर धुनाई की और उसे कोतवाली थाना पुलिस के हवाले कर दिया। सुंदर विलास में रहने वाले मनीष ने बताया कि उसके परिवार के लोग शाम को सुभाष उद्यान में घूम रहे थे। लौटते वक्त नसिया की तरफ खुलने वाले छोटे गेट से निकलते वक्त खानाबदोश युवक ने बच्ची को अगवा कर लिया और भागने लगा। एकाएक हुई इस घटना से परिवारजन सकते में आ गए। उन्होंने शोर मचा दिया। शोर सुनकर राहगीरों ने युवक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई लगा दी। कोतवाली पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ में जुटी है। पुलिस को अनुमान है कि खानाबदोश युवक का बच्चा चोर गिरोह से ताल्लुकात तो नहीं। अनजान व्यक्ति है, कोई मध्य प्रदेश का है, वो लेके उसको भागने लगा तो पब्लिक चिल्लाई तो उसको पकड़ लिया और फिर लाके पुलिस वालों को दिया। पता नहीं मध्य प्रदेश का है, कोई अरविंद डेरिया करके है, 2.5 साल की बच्ची है। तो उसको पीछे वो आगे मतलब रोड क्रॉस कर रहे थे तो वो पीछे से आया, उठा के भागा। पब्लिक ने रोड पर चिल्लाए घर वाले, तो फिर लोगों ने पकड़ के उसको फिर पुलिस वालों को वापस होता। दरगाह के 3 नंबर गेट पर लगे ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग से इलाके में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि आग से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। रमजान का महीना चल रहा है और ख्वाजा गरीब नवाज की छठी का मौका भी था। जायरीन और रोजेदार नमाजी गेट के पास से नमाज पढ़कर बाहर आ रहे थे। ट्रांसफार्मर में लगी आग देखकर लंगर खाना गली में अफरा तफरी मच गई। आग बुझने के बाद लगभग 1 घंटे तक दरगाह बाजार सहित लंगर खाना गली अंधेरे में डूबी रही। दरगाह के खादिमों ने रोष जताते हुए बताया कि दरगाह क्षेत्र में तारों का जंजाल फैला हुआ है, जिसकी समय समय पर विद्युत विभाग को शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन विद्युत विभाग के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। लगता है विद्युत विभाग कोई बड़ा हादसा होने के बाद ही जागेगा। उनकी बात है, वरना कोई हादसा होने में कोई कसर नहीं रहती। दरगाह विकास के ऊपर के नाम पे लाखों रुपए लाते हैं और यहाँ का जो हाल है, घंटों से लोग बिना लाइट के बैठे हैं। रमजान का महीना है, छठी की तारीख है, आने वाले हिंदुस्तान के कोने कोने से दायरी यहाँ जमा है। ये तो मेहरबानी है ऊपर वाले की, क्योंकि हादसा बड़ा नहीं हुआ। यहाँ पर हम लोग सब बैठे हुए थे और ये बारिश जैसे ही स्टार्ट हुई, बारिश चालू हुई, तो यहाँ पर कुछ जो है वायरिंग वगैरह जो है खुली हुई थी और सारे के सारे जो मेन केबल है, ये यहाँ पर जो सब इलेक्ट्रिसिटी के सारे करीब है, और आने वाले टाइम के अंदर तो ज्यादा से ज्यादा क्राउड बढ़ेगा, भीड़ बढ़ेगी, तो यहाँ पर कोई भी जो है हादसा ट्रेजेडी हो सकती है। और आगे लंगर खाना है, वहाँ पर जो है ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वहाँ पर जो एकदम शॉर्ट सर्किट होते के साथ ही जो आग लगी और बहुत जोर से कम 5 मिनट लगी है, नजारा चलता रहा। Thank you.